नोएडा के सेक्टर 62 रामला मैदान में रामला की तैयारी जोरों शोरों पर है। रामला मैदान में बना ये मंच लोगों को लुभाएगा, जाने पूरी जानकारी। आप सभी को जय श्री राम। श्री राम मित्र मंडल नोएडा द्वारा कल 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू किया जा रहा है, जो 13 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 10:30 बजे तक चलेगा। इसके साथ साथ 7 अक्टूबर को श्रीराम बारात निकलेगी, जो नोएडा के कई गांवों और सेक्टरों से होते हुए सेक्टर 62 स्थित इस रामलीला मैदान पर पहुंचेगी। 12 अक्टूबर को भगवान राम के द्वारा रावण का वध होगा और दशहरा उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। रावण वध के पश्चात रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। इसके साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। नोएडा पुलिस रहेगी, हमारे करीब 50 वॉलंटियर रहेंगे, निजी सुरक्षा गार्ड होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा और ड्रोन की व्यवस्था होगी, जिससे यहाँ पर सुरक्षा किया जाएगा। लोगों के इलाज के लिए अगर कोई दुर्घटना, कोई आवश्यकता पड़ी तो फेलिक्स अस्पताल के द्वारा यहाँ पर एक पूरा कैंप लगाया जा रहा है, जो 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रहेगा। लोगों के बैठने के लिए 5,000 लोगों की व्यवस्था की गई है और लोग आराम से नोएडा वासी और दिल्ली NCR के निवासी रामलीला का मंचन देख सकेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री राम मित्र मंडल नोएडा 12वां वर्ष इस बार रामलीला का मंचन करा रहा है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है।